करते हैं आप, हो गया, मजदूरी कर देंगे। जैसे कि दो काम बताइए योगी जी का, अच्छा दो काम बताइए। राशन दे रहे हैं महीने में दो बार पीरियड में, अब क्या चाहिए? राशन दे देंगे तो उससे काम चल जाएगा। अरे बहुत कुछ दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा तो योगी जी इसीलिए अच्छे हैं। हाँ, और ये बहन जी मायावती और अखिलेश यादव? अरे इन लोगों को बात ही छोड़िए, इन लोगों को कोई बात नहीं है, इन लोगों को खाली कहते हैं करते नहीं है सब। अच्छा, ये सब चोर घोटाला वाले हैं भैया, मतलब आपके हिसाब से इधर घोटाला उटाला लोग किए हैं? हाँ, बहुत कुछ करते हैं। और योगी जी के राज में कोई घोटाला नहीं? नहीं, कोई घोटाला नहीं, ये सब काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो दो काम बताइए जो कहे हैं और वो कर दिए हैं। अरे राशन मिल रहा है, अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिए, और क्या चाहिए भैया? शौचालय बने, शौचालय बन गया। कोरोना काल में और बताइए? कोरोना काल में फ्री में राशन मिल रहा है, सालाना 6,000 मिल रहा है। कोरोना का टीका लगवा लिए? हाँ लगवा लिया, दोनों टीका लग गया। नहीं अभी एक ही लगा, एक बाकी है, एक ही लगा एक बाकी है। तो कोरोना के टाइम में तो आपकी कमाई कम हो गई होगी? तो कम है तो वैसे ही चल रहा है, जब सबको कम है तो मेरा भी तो कम ही चलेगा। देखिए ये कितने संतुष्ट है, अगर सभी का कम है तो हमारा भी कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जगह ये भी जनता के तरफ से हम लोग को रिएक्शन में मिला है कि पेट्रोल डीजल योगी और मोदी सरकार को लेकर डूब सकती है, इस पे आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही रिपोर्ट सर, सही बात। बोलिए बोलिए, सही रिपोर्ट मिला है आपको, जहाँ से मिला हो मोदी सरकार और योगी सरकार मिला है, अगर ऐसा ही रहा तो डूब जाएगी पेट्रोल डीजल को लेकर, डूब जाएगी। और खाने वाले तेल तो इसे चूस रहा है। देखिए अभी जो मेन मुद्दा अभी निकल के आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेके इतनी समस्या है आम जनता में, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर पहुंच चुका है, और महंगाई जो मुख्यतः पेट्रोल डीजल की वजह से ज्यादातर बढ़ती है। तो और आपको क्या कमियां लग रही हैं? कमियां क्या रही है? खाने का पैसा नहीं है, इतना महंगाई तेजी से हो रही है, आदमी चल रहा है सही से ना, कुछ तेल भराएगा तभी तो चलेगा, कमाएगा उतना, जितना दिन भर का दाढ़ी नहीं उतना तेल चलने में लग जा रहा है और खाने में लग जा रहा है। रोजगार का अभी आप क्या करते हैं? अभी तो बेरोजगार बैठा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले जॉब करता था। किस कंपनी में? आरजीएम। वो किस चीज की कंपनी? गैस लिमिटेड की थी। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय एक नेता जुड़े हुए हैं, संपूर्णी राज्य विधानसभा से ही, इनसे जान लेते हैं। और क्या नाम होगा आपका सर? डॉक्टर प्रभुनाथ। ये डॉक्टर प्रभुनाथ गुप्ता जी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में अभी तीन पार्टियां जो मुख्य तौर पे यूपी में दिख रही हैं, कांग्रेस चौथे नंबर की जद्दोजहद कर रही है, हमारा कौन रहेगा, भाजपा सपा बसपा, इन तीन पार्टियों में किस पार्टी का ज्यादा दम दिखाई दे रहा है जमीन में? वजह क्या है? विकास में क्या क्या विकास हुआ है कुछ अगर आप बताएं तो? राम मंदिर बना, धारा 370 हटा, गरीबों के लिए राशन मिला, अमित का टीका लगा, विकास हुआ। तो यहाँ पे योगी जी के नाम पे वो यही तो बोलना पड़ेगा, ये तुम्हारी सही नाम पर स्थानीय नेताओं को देख के जनता वोट करेगी या फिर ऊपर सीधे देखेगी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इनका कहना है कि यहाँ स्थानीय जो जो लीडर हैं, जो उम्मीदवार होंगे उनको देख के नहीं, जनता सीधे ऊपर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देख के वोट करेगी। तो अखिलेश जी बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इससे आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव सरकार अपना ही सीट निकालने को मुश्किल है, इस बार सफाया है अखिलेश यादव इस बार, उनके जो खुद के सीट है वो नहीं निकाल पाएंगे, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। और शिवपाल यादव जी के राजनीति पे आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवपाल यादव सब एक ही है, भाजपा पार्टी है, ये लोग केवल ऐसे ही मुद्दा बना कर वोट करते हैं, और ये काम क्या है, अपना विकास करना, जनता का कोई विकास नहीं। अच्छा, केवल ही अपना विकास करना चाहते हैं जनता। और बहन जी का क्या है
कुछ जगह ये भी हो रहा है कि भाजपा और बसपा के कैडर आपस में मतलब कि मिलके वोटिंग पैटर्न सेट कर रहे हैं। भाजपा मायावती के साथ नहीं रहेगी, मायावती तो पिछले साथ ही है, मायावती तो जीरो है, आप पता ही नहीं कुछ नहीं है, बनवाई पार्टी बनाई। अगर आप अपनी विधानसभा में कोई एक चीज मांगना चाहें या फिर डिमांड करना चाहें सरकार से, तो वो आपके नजर में क्या होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए हमारे, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है यहाँ पे, ग्राउंड है खेलने के लिए, सब बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है और कॉलेज और बाकी चीजें सब कुछ सुविधा है। तो बता रहे हैं ये कि सारी सुविधाएं हैं बस केवल